जबलपुर हादसे के बाद राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन को प्रदेश के सभी निजी नर्सिंग होम्स के फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। सतना शहर के 47 नर्सिंग होम्स में से 45 नर्सिंग होम्स के पास फायर सेफ्टी की एनओसी ही नहीं है। नगर निगम के फायर सेफ्टी ऑफिसर आरपी सिंह परमार ने निजी नर्सिंग होम संचालकों की मीटिंग ली। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर एके अवधिया भी मौजूद रहे। सभी संचालकों को फायर सेफ्टी एनओसी लेने के लिए एक माह की मोहलत दी गई है। आज नर्सिंग होम एसोसिएशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट की जो जिला अस्पताल है, सभी को बैठक में बुलाया गया था। सभी बैठक में उपस्थित हुए, उनके भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें, उनके कई सुझाव हमारे पास आए हैं जिनको हमने आगे लागू करेंगे। जहाँ तक फायर सेफ्टी की बात है तो नगर निगम के जो परमार साहब हैं वो आए थे, उन्होंने बताया कि इसका दो पार्ट होता है। पहला होता है फायर ऑडिट रिपोर्ट्स जो बताए जा चुके हैं, फायर कंसल्टेंट्स द्वारा होता है, ये सभी लोगों ने करा लिया, काफ़ी लोगों ने करा लिया है। कुछ कंप्लायंस ज़रूर उन्होंने जो सजेस्ट किए थे तो कुछ जगह नहीं हुई है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन किया गया कि कंप्लायंस आप लोग कर लें और कंप्लायंस होने के बाद आप जो है नगर निगम में आवेदन दें जिससे आप सभी को एनओसी प्राप्त हो सके। इसके लिए सभी लोगों ने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए, तो फायर ऑडिट कंप्लायंस के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है। एक माह के अंदर जो है सभी फायर ऑडिट कंप्लायंस कराकर नगर निगम में जमा करेंगे, उसके बाद एनओसी की प्रक्रिया होगी। इसमें मेरे तरफ से साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जब तक फायर सेफ्टी की प्रोसीजर नगर निगम से पूर्ण नहीं हो जाएगी, चाहे पहले रजिस्ट्रेशन किए गए हों नर्सिंग होम के या आगे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, उनमें सभी में इसकी अनिवार्यता निश्चित की जाएगी और अगर नहीं होता है तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक शहर की बात है तो अपने शहर में कुल 47 हॉस्पिटल हैं। इसमें केवल दो हॉस्पिटल हैं जिनपे सेफ्टी नॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट है। जैसा हमारी जानकारी में है, शेष जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको समय समय पर यहाँ से लिखा भी गया है और जो उनको एनओसी दिए जाने के प्रावधान है उनको किसी को एनओसी नहीं दी गई है पहले भी। और अभी आज ही मेरी जानकारी में है कि सीएमएचओ सतना एक बैठक भी कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, हमारे फायर ऑफिसर भी उस बैठक में गए हुए हैं। इशू यही है कि जो फायर सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स हैं वो सभी हॉस्पिटल कंप्लीट करें और उसके बाद मतलब वो पॉजिटिवली अनिवार्य रूप से उसको कंप्लीट करें, इसके बाद रन करें, तो ये कोशिश बिल्कुल की जा रही है।